बलिया का नौजवान मनीष शंकर यादव। और मैं इसको इसलिए सम्मानित कर रहा हूँ क्योंकि ये नौजवान अगर कंफ्यूज ना होता तो ये स्टेज पे होता अपना दरखास्त लेकर के। जब ये मैंने पब्लिक मीटिंग में देखा इसको कि ये खड़ा होकर के बार बार कागज़ दिखा रहा है मुझे एप्लीकेशन, और जैसे ही दूसरे पल मैंने देखा कि ये दौड़ता हुआ चला आ रहा है, पता नहीं इसके मन में क्या था कि ये स्टेज पे आकर के देना चाहता था या वहीं से फेंक करके देना चाहता था। अगर ये कंफ्यूज नहीं होता तो हमारे सिक्योरिटी वाले भी इसको नहीं पकड़ पाते, ये सीधा स्टेज पर मुझे दरखास्त देने पहुंच जाता। मैं इस नौजवान को इसलिए सम्मानित कर रहा हूं, ये नौजवान वो है जो अग्निवीर की फिजिकल टेस्ट और मेडिकल कर चुका है लेकिन इसको नौकरी फौज की नहीं मिली है। मैं इस नौजवान के सहारे आज के दिन में ये तमाम नौजवानों को जो पुलिस भर्ती में समय समय पर जाना चाहते हैं या फौज की भर्ती में, उन्हें कहना चाहता हूँ कि 15 अगस्त के दिन समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है, दोहराती है कि जब कभी हम लोग सत्ता में आएंगे अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म की जाएगी। और कभी कभी ये सोचते हैं कि अग्निवीर व्यवस्था कौन लेके आ रहा है, वित्त विभाग लेके आ रहा है या डिफेंस का अपना फैसला है। अगर वित्त विभाग ये फैसला ले रहा है तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कोई नहीं हो सकती है कि पैसे बचाने के लिए आप अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू कर रहे हो। और अगर डिफेंस ऐसा ला रहा हो फैसला, अग्निवीर जैसी आधी अधूरी नौकरी, तो हमें सोचना पड़ेगा कि आज 15 अगस्त के दिन जब हम लोगों ने अखबार उठा करके देखा होगा तो हमारी फौज का एक बहुत बड़ा ऑफिसर जो शहीद हुआ है, और इधर घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं फौज में और खासकर सीमा पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसलिए हम लोगों को 15 अगस्त के दिन ये भी सोचना है कि हमारी सीमाएं कैसे सुरक्षित हों। जो पड़ोसी देश है उसके साथ क्या हुआ उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। हमारे मुख्यमंत्री तो इतना रफ्तार से भाग रहे हैं कि उन्हें शायद ये पता है कि दिल्ली से खबर आई है, कूदना चाहिए, उछल के आगे आना चाहिए। वो मुख्यमंत्री होते हुए थे विदेश नीति पे अपने भाषण दे रहे हैं। इसलिए मैं इस नौजवान को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, आगे भविष्य में ऐसा मत करना, सरकार बनवाइए और हम लोग आपको नौकरी भी उपलब्ध कराएंगे या रोजगार उपलब्ध कराएंगे। बहुत बधाई। अभी ठीक है तो क्या फिजिकल कर लिया था? नहीं, फिजिकल और मेडिकल दोनों बताइए आप। आपने वो देखा होगा जब हमारे सिक्योरिटी वाले ने पकड़ा था, उसे इनाम बाद में दे देंगे।